गाइस, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीजनिंग का सेक्शन, दैट इज वर्बल रीजनिंग। एंड वर्बल रीजनिंग में आज हम डिस्कस करेंगे नंबर अल्फाबेट सीक्वेंस। नंबर अल्फाबेट सीक्वेंस जैसे ही नेम सजेस्ट करता है, हम ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि एक सीक्वेंस होगी जहाँ पर या तो खाली नंबर्स होंगे या फिर खाली अल्फाबेट्स होंगे या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है नंबर और अल्फाबेट्स का। तो नंबर अल्फाबेट सीक्वेंस के 3 पार्ट्स हैं, जहाँ पर फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया था नंबर सेट। नंबर सेट में ये था कि आपके पास एक कलेक्शन थी या एक सीरीज तो नहीं कह सकते, सीक्वेंस कह सकते हैं हम नंबर्स की, और जैसे क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शंस गिवन थी उसी के अकॉर्डिंग हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। नंबर्स जो हैं एक पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं होंगे, रैंडम नंबर्स आपके पास प्रोवाइडेड होंगे सीक्वेंस में, और क्वेश्चंस आपके पास पूछे जा सकते हैं कि आपको काउंट करने हैं कि एक पर्टिकुलर नंबर कितनी बार रिपीट हो रहा है, या हमें ये काउंट करना है कि एक पर्टिकुलर नंबर दूसरे पर्टिकुलर नंबर को कितनी बार प्रिसीड कर रहा है या फॉलो कर रहा है या सक्सीड कर रहा है। ये पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। आज नंबर अल्फाबेट सीक्वेंस में हम डिस्कस करेंगे अल्फाबेट सेट। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था नंबर सेट जहाँ पर खाली नंबर की सीक्वेंस थी, ऐसे ही आज का हमारा टॉपिक है अल्फाबेट सेट। तो एक सीक्वेंस होगी जहाँ पर खाली अल्फाबेट्स प्रेजेंट होंगे। हमें पता है कि हमारी इंग्लिश अल्फाबेटिकल ऑर्डर में देर आर 26 लेटर्स, या हम बोल सकते हैं कि 26 अल्फाबेट्स हैं, एंड दोज आर फ्रॉम ए टू जेड, राइट। तो A to Z के बीच के जितने भी लेटर्स हैं उन्हीं में से एक सीक्वेंस फॉलो होगी, लेकिन वो सीक्वेंस जो है वो इंग्लिश की सीक्वेंस के अकॉर्डिंग नहीं होगी, कोई भी रैंडम सीक्वेंस फॉर्म हो सकती है और उसके अकॉर्डिंग आपके पास क्वेश्चंस आएंगे। एक सीक्वेंस प्रोवाइडेड होगी, उस सीक्वेंस के कोरिस्पॉन्डिंग आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाएंगे, एंड जैसे जैसे क्वेश्चंस में इंस्ट्रक्शंस होंगी उसी तरह से आपने उन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। इसमें इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें दो टर्म्स पता होने चाहिए। फर्स्ट टर्म इज वर्बल्स एंड सेकंड टर्म इज कॉन्सोनेंट्स। हमें पता है कि हमारी इंग्लिश लेटर्स में देर आर वर्बल्स, और वो वर्बल्स हैं ए ई आई ओ एंड यू, तो 6 वर्बल्स हैं, सॉरी देर आर 5 वर्बल्स ए ई आई ओ यू, और 26 में से अगर हम 5 माइनस कर देते हैं तो रिमेनिंग जो है वो कॉन्सोनेंट्स हैं। तो ये टर्म्स आपको पता होनी चाहिए कि वर्बल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। आई डोंट थिंक ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत ही बेसिक सी अभी हम इंट्रोडक्शन समझ रहे हैं। एंड देन आपको आपके पास टर्म्स होती हैं सच एज प्रिसीडिंग या फॉलोड बाय या सक्सीडिंग। तो ये टर्म्स का आपको पता होना चाहिए। प्रिसीडिंग का मतलब होता है बिफोर और सक्सीडिंग का मतलब होता है आफ्टर। जैसे अगर मैंने आपको बताया ए बी और सी है तो हम ये बोलेंगे दैट ए प्रिसीड्स बी का मतलब होता है कि ए बी से पहले है, और अगर ये बोलते हैं दैट सी इमीडिएटली फॉलोज बी, ये बोला है कि सी इमीडिएटली फॉलोज बी, मतलब बी के इमीडिएट नेक्स्ट जो लेटर है वो सी आएगा। और एक और चीज, ए इज नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सी, ए इज नॉट इमीडिएटली प्रिसीडेड बाय सी। ये ऐसी टर्म्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। हर टर्म का एक अलग मतलब होता है, जब तक ये मतलब पता नहीं लगेगा तब तक हम थोड़े से कंफ्यूज रहेंगे अपने क्वेश्चंस में। तो इन इस टाइप की कंफ्यूजन को एलिमिनेट करने के लिए अभी हम डिस्कस करेंगे कुछ क्वेश्चंस। पे अटेंशन टू दोज क्वेश्चंस, क्योंकि ये वो ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। स्कोरिंग टॉपिक है क्योंकि आपको यहाँ पर थोड़ा सा लॉजिक चाहिए, बस कुछ ऐसे ट्रिक्स तो है नहीं इन क्वेश्चंस के लिए। तो आइए अब हम फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे हमें ये टॉपिक जो है अल्फाबेट सेट वो अच्छे से समझ आ जाए। तो आइए अब हम डिस्कस करते हैं कुछ क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने अवेलेबल है, एंड द क्वेश्चन सेज इफ एवरी ऑल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग विथ ए इज रिमूव्ड फ्रॉम द सीक्वेंस, विच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ लेटर फ्रॉम द राइट। चलो ये वाला पार्ट जो है
ये हम कंसिडर करेंगे बाद में। और क्यों बाद में कंसिडर करेंगे? क्योंकि उससे पहले भी आपके पास इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड है। ऑलवेज रिमेंबर कि जिस सीक्वेंस में आपके पास इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइडेड है, उसी सीक्वेंस में आप उन इंस्ट्रक्शंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप ये वाली नहीं देखकर खाली आप ये देखते हैं विच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट और फिफ्थ फ्रॉम द राइट, तो वो आपका जो आंसर है चाहे आपने अच्छे से निकाला हो फिर भी गलत होगा। वाई? क्योंकि आपने एक इंस्ट्रक्शन जो है वो मिस कर दी है। सो ऑलवेज रिमेंबर कि इंस्ट्रक्शंस जिस सीक्वेंस में है उसी सीक्वेंस में आप सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस को। तो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन गिवन है कि एवरी ऑल्टरनेट नंबर, ऑल्टरनेट नंबर का ऑल्टरनेट लेटर का मतलब होता है कि एक लेटर छोड़ के फिर नेक्स्ट लेटर, ऑल्टरनेट मतलब स्किप करके, विथ स्टार्टिंग विथ ए इज रिमूव फ्रॉम द सीक्वेंस। स्टार्टिंग विथ ए मतलब हम ए को फाइंड करेंगे कि ए यहाँ पर है, तो स्टार्टिंग विथ ए मतलब ए को हम पहले रिमूव करेंगे, उसके बाद एक ऑल्टरनेट लेटर मतलब एक लेटर को स्किप करेंगे, उसके बाद सी को रिमूव करेंगे, फिर डी को स्किप करके हम ई को रिमूव करेंगे, एफ को स्किप करके जी रिमूव करेंगे, एच को स्किप करके आई रिमूव करेंगे। तो जहाँ पर भी डबल अंडरलाइन है मतलब हम उन लेटर्स को स्किप करेंगे टिल जेड। तो अब हम फॉर्म करते हैं तो हमारी सीक्वेंस बन जाएगी बी डी एफ एच जे, के रिमूव हुआ, एम रिमूव हुआ, तो J के बाद आएगा L, उसके बाद N, फिर P, फिर R, T, V, X एंड Z, ये रह जाएंगे हमारे C। देर आर टोटल ऑफ 26 लेटर्स और 26 लेटर्स में से हाफ लेटर्स जो है वो रिमूव हो गए हैं, तो रह गए 13। लेट्स काउंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब ये जो है ये बन गई हमारी एक फाइनल सीक्वेंस। जैसे कि फर्स्ट इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके ये आई है हमारी फाइनल, और फाइनल सीक्वेंस के ऊपर ही हम फाइनल इंस्ट्रक्शन अप्लाई करेंगे। और वो बोला गया है विच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ लेटर फ्रॉम राइट। अब हमें पता है कि ये पार्ट है हमारा लेफ्ट और ये पार्ट है हमारा राइट। बोला गया है थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ लेटर, थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ लेटर, और फिफ्थ लेटर यहाँ से भी हो सकता है और यहाँ से भी हो सकता है, तो स्पेशली मैंशनड है कि वो राइट साइड से ही होगा। तो राइट साइड से हम देखते हैं, पहले हम फिफ्थ लेटर फाइंड आउट करेंगे और फिफ्थ लेटर के बाद हम थर्ड लेटर फाइंड करेंगे टू द राइट। अब ये फर्स्ट, टू, थ्री, फोर, फिफ्थ, तो हमें पता लग गया कि आर जो है हमारा फिफ्थ लेटर है, लेकिन फिफ्थ लेटर तो नहीं पूछा उसने, उसने ये बोला है विच लेटर विल बी थर्ड टू द राइट ऑफ फिफ्थ लेटर। अब फिफ्थ लेटर के राइट में जो थर्ड लेटर है वो फाइंड आउट करना है। तो ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, तो एक्स विल बी आर आंसर, एक्स हमारा आंसर होगा। लेकिन ये थोड़ा लॉन्ग मेथड हो गया, शॉर्ट मेथड आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं कि या तो आप, यस यू रिक्वायर लॉट ऑफ प्रैक्टिस ये फाइंड आउट करने के लिए कि हमें ये वाला स्टेप भी मिस करना पड़े, और इस स्टेप को मिस करने के लिए आपको बहुत प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है। अभी हम बिगनर्स हैं, तो अगर हम बिगनर्स हैं तो हम ये सीक्वेंस डायरेक्टली लिखेंगे, और ये सीक्वेंस लिखने के बाद एक और शॉर्ट मेथड है, और वो शॉर्ट मेथड है एक कोट के फॉर्म में, या हम कह सकते हैं एक रूल के फॉर्म में। और रूल ये है कि जब हमने राइट से लेफ्ट जाना हो तब हम ऐड करेंगे, जब हमें राइट से राइट जाना हो तब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसे ही जब हमें लेफ्ट से फिर से लेफ्ट की तरफ ही जाना हो तब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जब लेफ्ट से हमें राइट की टुवर्ड्स जाना हो तब हम ऐड करेंगे। रिमेंबर, जब ऑपोजिट डायरेक्शन में जाना है तो ऐड होगा, लेकिन अगर सिमिलर डायरेक्शन में जाना है तो सब्ट्रैक्ट होगा। रिमेंबर दिस पॉइंट। यहाँ पर दो बार राइट आया है, दो बार राइट आने का मतलब कि हमें सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जैसे यहाँ पर जेड है और यहाँ पर आर है, हमें इस तरफ जाना है, राइट? ये वाला पार्ट जो है काफ़ी एप्लीकेबल हो सकता है जब हम ऑर्डर एंड रैंकिंग को भी फॉलो कर रहे हो, या बाकी कुछ ऐसे टॉपिक्स भी हैं जहाँ पर ये वाला पार्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब जैसे आपने ये देखा 1, 2, 3, 4, 5, 5 यहाँ पर है, और
अब अगर हमें थर्ड टू द राइट जाना है तो 1, 2, 3 राइट, 5 माइनस 3 करेंगे तो आंसर आएगा 2. तो ये जो सेकेंड ही आ गया राइट से सेकेंड आ गया तो एक्स राइट, मतलब हमने सब्ट्रैक्ट की है 1, 2, 3, 4, 5 और 5 बोला हुआ है यहाँ पे फिफ्थ लेटर और थर्ड बोला हुआ है राइट, तो 5 माइनस 3 किया 2, राइट से देख लो सेकेंड प्लेस पे एक्स है और एक्स ही हमारा आंसर आ रहा था. तो ये एक शॉर्टकट है जिससे आपके कुछ सेकेंड्स जो हैं वो बच सकते हैं. एंड ऑब्वियसली कॉम्पिटिशन इज ऑल अबाउट रेस, जितनी जल्दी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे उतनी ही जल्दी आप अपने कॉम्पिटिटर्स को बीट कर सकेंगे. तो ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, आइए अब हम एक और क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं सो दैट वी आर थरो विद दिस टॉपिक. तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर क्वेश्चन के लिए एक अलग सा पैटर्न होगा या एक अलग सी इंस्ट्रक्शन होगी, तो आइए हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कैसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे सेकंड क्वेश्चन से डिफरेंट है और दोनों क्वेश्चंस में क्या अलग पैटर्न पूछे गए हैं, क्या अलग क्वेश्चंस पूछे गए हैं. यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन है, सपोज फर्स्ट एंड सेकंड लेटर चेंज प्लेसेस, सिमिलरली थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ एंड सो ऑन इंटरचेंज देयर पोजिशंस, विच लेटर विल बी 14. तो बोला ये क्या है कि आपको ये सीक्वेंस दी हुई है, अब ध्यान से देखा जाए तो ये अल्फाबेटिक ऑर्डर में ही सीक्वेंस प्रोवाइडेड है. बोला ये क्या है कि फर्स्ट एंड सेकंड लेटर चेंज द प्लेसेस, मतलब अब ए की जगह बी हो जाएगा और बी की जगह ए आ जाएगा, ऐसे ही थर्ड एंड फोर्थ भी इंटरचेंज करेंगी तो डी की जगह सी आ जाएगा और सी की जगह डी आ जाएगा, एंड फिफ्थ एंड सिक्स्थ भी एफ और ई बन जाएंगे, सो ऑन, मतलब आपको जेड तक पोजीशंस जो है वो इंटरचेंज करके रखनी है. और ऐसे करते हुए ये बोला गया है दैट विच वुड बी द 14th लेटर. अब जैसे मैंने आपको हमेशा हर वीडियो में यही बोला है कि जब भी हम अल्फा न्यूमेरिक्स की बात करते हैं या कोडिंग डीकोडिंग की बात करते हैं, उन वीडियोस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमें एजोटी का रूल पता होना. एजोटी हमें ये बताता है कि हमारे जितने भी लेटर्स हैं, 2026 लेटर्स अल्फाबेटिक ऑर्डर में, तो उन अल्फाबेटिक ऑर्डर में हर लेटर की क्या प्लेस वैल्यू है. तो घुमा फिर आगे क्वेश्चन जो है वो इस पैटर्न के बेस पे आ ही जाता है जहाँ पर हमें इस लॉजिक की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है. एजोटी इज बेसिकली अ टेबल ऑफ 5 जहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम 5 1s are 5, 5 2s are 10, 5 3s are 15, 5 4s are 20 एंड 5 5s are 25. इस तरह से हम सॉल्व करेंगे. और एजोटी का मतलब ये है कि ई की प्लेस वैल्यू 5 है, जे की प्लेस वैल्यू 10, ओ की 15, टी की 20, वाई की 25. तो इससे आसपास की जितनी भी अल्फाबेट्स हैं या लेटर्स हैं उनकी भी वैल्यूज हमें पता लग जाएगी. लाइक ई से पहले आता है डी, तो ई से अगर पहले डी आता है तो 5 से पहले आता है 4, तो हमें ये पता लग गया कि डी की वैल्यू है 4. क्यों मैं आपको समझा रही हूँ, क्योंकि अभी हम इसी रूल को इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे. बोला ये क्या है कि फर्स्ट एंड सेकंड लेटर चेंज करते हैं प्लेसेस, मतलब अगर पहले यहाँ पर 1 और 2 था तो अब 2 और 1 आ गया है, अगर यहाँ पर 3 और 4 था तो अब यहाँ पर 4 और 3 आ गया है, अगर यहाँ पर 5 और 6 था तो अब 6 और 5 आ गया है. कैसे कि ई की प्लेस वैल्यू 5 है एजोटी से पता लगा, डी की प्लेस वैल्यू 4 है एजोटी से पता लगा, ऐसे ही डी की वैल्यू 4 है राइट. पूछा ये क्या है कि 14th लेटर कौन सा होगा. आप ये देख सकते हैं कि 1 और 2 जब इंटरचेंज कर रहे हैं, ऐसे 3 और 4 इंटरचेंज कर रहे हैं, 5 और 6 इंटरचेंज कर रहे हैं, अब 7 और 8 इंटरचेंज करेंगे, ऐसे करते करते 13 और 14 लेटर जो है वो इंटरचेंज करेंगे अपनी पोजीशन को. अगर आपको एजोटी से ये पता है कि 13 जो वैल्यू है वो कौन से लेटर की है, तो मैं आपको ये बता देती हूँ कि 13 जो वैल्यू है वो एम की है और 14 जो है वो एन की वैल्यू है. अगर आप हम इसे इंटरचेंज कर देंगे तो अब आ जाएगा एन और एम, लेकिन 13, 14 तो ऐसे ही रहेंगे, तो 14 जो है वो एम की आ जाएगी प्लेस. कैसे आई? 1, 2, 3, 4, 5, 6 है तो 6 लेटर्स ही, और बोला गया है कि हमें काउंट करना है कि 14th लेटर कौन सा होगा. ये नहीं बोला हुआ कि 14th की प्लेस वैल्यू, मतलब 14th प्लेस वैल्यू कौन से लेटर की है, ये नहीं बोला गया. पूछा ये गया है कि आप जब ऐसे काउंट करेंगे तो 14th जो है वो कौन से लेटर की वैल्यू आएगी, तो वो लेटर होएगा यहाँ पर एम.
रादर दैन के आप यहाँ पर टाइम वेस्ट करें लिख के, सिंपल सिंपल सी बात है कि 13 और 14 की आपस में इंटरचेंज होगी प्लेसेस, तो एम पहले आता था और एन बाद में, लेकिन अब क्या होगा, एम और एन की इंटरचेंज होगी प्लेसेस, तो इसलिए एन पहले आएगा एम बाद में आएगा, इसलिए अब एन की पहले वैल्यू 14 थी लेकिन अब एम की वैल्यू जो है वो 14 हो जाएगी, तो एम विल बी योर आंसर। तो इस तरह से हम हर क्वेश्चन में कोई ना कोई ट्रिक अप्लाई करके अपना टाइम जो है वो थोड़ा सा रिड्यूस कर सकते हैं, एंड वो तभी होगा जब हमें प्रॉपर पैटर्न पता होगे, प्रॉपर लॉजिक्स पता होंगे, और उन लॉजिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप सैम्पल पेपर्स अटेम्प्ट करें, बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें, उनकी प्रैक्टिस करें, हर टॉपिक की हमें प्रैक्टिस होनी चाहिए, तभी हम क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकेंगे। तो अगर अभी तक आपने रजिस्टर नहीं किया है तो आप ज़रूर रजिस्टर कीजिए @abhyasonline.in, और रजिस्टर करने के बाद आप जितने ज़्यादा प्रैक्टिस पेपर्स अटेम्प्ट कर सकते हैं उतने कीजिए, बिकॉज अल्टीमेटली दैट विल बी हेल्पफुल टू यू इन ऑर्डर टू क्लियर योर एग्जाम्स एंड बीट ऑल योर कम्पिटिटर्स, क्योंकि प्रैक्टिस ही एक की है सक्सेस के लिए, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी ही ज़्यादा जल्दी आप मास्टर बन पाओगे रीजनिंग के। सो आई सजेस्ट यू टू कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग एंड डू रजिस्टर @abhyasonline.in।